हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम देखने वाले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती का रिव्यू, उसका फीस स्ट्रक्चर जानेंगे, प्लेसमेंट भी देखेंगे, हॉस्टल, अपीलेशन, कनेक्टिविटी, इन सारे बारे में जानने वाले। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलेज का नाम। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती ये इसका नाम है, और ये बना था 1964 में, और इसका जो DT कोड है वो है 1002, और इसके बाद जो इसका एड्रेस है वो है VMV रोड नियर काठोरा नाका अमरावती, ये इसका एड्रेस है। उसके बाद जो इसका वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो यहाँ पे आप जो विजिट जरूर कर देना। उसके बाद जो है स्टेटस है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और उसके बाद ऑटोनॉमस कॉलेज है। इसकी अच्छी बात यही कि ऑटोनॉमस कॉलेज है, और एक नॉन माइनॉरिटी में आता है, यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी सीट्स आपको नहीं दिखेगी। उसका जो अफिलिएशन है वो है संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे जो डिग्री मिली हुई वो है BE की। और हॉस्टल के बारे में जानोगे तो देखिए, टोटल जो है 520 सीट से यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए 160 अवेलेबल है। गर्ल्स हॉस्टल जो है 400 यहाँ पे है, और जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए 100 सीट्स यहाँ पे रिजर्व है। और कनेक्टिविटी देखेंगे तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है नागपुर का, लगभग 155 किलोमीटर है यहाँ से कॉलेज से। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है अमरावती का 4 किलोमीटर है, और बस स्टेशन जो है वो है अमरावती का 3 किलोमीटर। तो कनेक्टिविटी भी अच्छी, इतनी बुरी भी नहीं है। और उसके बाद जो कोर्स है, तो देखिए यहाँ पे जो CSE कोर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका इनटेक जो है 60 है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंजीनियरिंग है, इसका 30 सीट्स यहाँ पे इनटेक का है। उसके बाद जो IT है इसका भी 60, उसके बाद इलेक्ट्रिकल भी 60, ENTC भी 60, सिविल इंजीनियरिंग भी 60, और मैकेनिकल भी 60। तो ज़्यादातर जो इंटेक है वो लगभग 60 के ही है। बस जो है एक इंजीनियरिंग इसका जो है 36 यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, तो फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो है 85,000 अगर आप ओपन में आते हो। अगर आप SC ST में आते हो तो लगभग 5,000 यहाँ पे देनी पड़ेगी, और EBC EWS में आते हो तो 76,000 है। उसके बाद OBC SBC UGNT वालों को जो है 45,000 है। और जो डायरेक्ट सेकंड ईयर का यहाँ पे कोई भी फीस स्ट्रक्चर उन्होंने वेबसाइट पे या कहीं पे भी मेंशन नहीं किया, तो लगभग इतना ही होगा, लगभग 1,000 का जो है डिफरेंस यहाँ पे होगा, मतलब 84,000 यहाँ पे आपको ओपन वालों को देना पड़ेगा। इसी तरह से जो है लगभग 1,000 का फर्क पड़ता है। उसके बाद अगर प्लेसमेंट देखोगे तो प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत सारे बच्चे जो है अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस हुए। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी प्लेसमेंट जो सेल है वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा बच्चा, कौन सी ब्रांच का बच्चा कहाँ पे प्लेस हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जो है वहाँ पे मैं आंसर दे दूंगा।